तो आज है 8 अप्रैल और मेरा इस वीक में जो आप लोगों को खिलाने का मन था वो था एक बहुत ही अच्छी नवरात्रि थाली खिलाने का, क्योंकि ये 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक नवरात्रि हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था एक नवरात्रि थाली ट्राई करने का। थाली 2-3 दिन पहले आनी चाहिए थी लेकिन वो आ रही है आज। तो ये जो थाली है वो मैं ऐसी जगह से ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे ये रेस्टोरेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हर जगह ऑल ओवर दिल्ली में, इंडिया में इसके बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो सिंपली बहुत सारे जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को जब ये फास्ट रखते हैं अपना, तो उन लोगों को जब चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने के लिए और एक नवरात्रे के लिए अगर आप थाली खाना चाहते हो तो कहाँ खा सकते हो। मैं आज गया हूँ बीकानेरवाला, तो वहीं की थाली हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये रही हमारी बहुत ही प्यारी सी नवरात्रि थाली। देखने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी तरीके से कर रखी है। और साथ में ये हैं पूड़ियाँ, कुट्टू की पूड़ियाँ हैं। ये है हमारा रायता। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है अंदर। ये रही थाली अब हमारे सामने। ये है सामक के चावल की खिचड़ी, ये देख सकते हो आप। ये है आलू की सब्जी। ये है इनका शाही पनीर। ये है इनके कोफ्ते, मलाई कोफ्ते। ये रायता है। ये इन्होंने यहाँ पे अचार भी दिया है, थोड़ा सैलेड भी है। तो ये आ गई है थाली मेरे सामने। मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है। आप लोगों को अभी मैंने दिखाया है, इसमें सामक के चावल हैं, आलू की सब्जी, पनीर, कोफ्ता, अचार भी दे रखा है यहाँ पे, और स्वीट डिश भी है, साथ में रायता है। तो एक प्रॉपर थाली है। अगर आप व्रत रखते हो तो ये थाली आप जाके आराम से खा सकते हो। इसका जो प्राइस था वो 360 था। इसके अलावा वहाँ पे ये सबसे बड़ी थाली थी। इसके अलावा अगर आप बीकानेरवाला में जाना चाहते हो और वहाँ खाना चाहते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। चाट थी, पकौड़े थे, सारे के सारे व्रत के थे, कुटू के थे। तो आप अगर जाना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हो। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी वहाँ पे नवरात्रि की थाली के लिए। तो अभी हम लोग इसकी अब लेंगे सबसे पहले बाइट। तो नॉर्मली अगर हम लोग घर में खाते हैं तो आलू की सब्ज़ी खाते हैं, तो आलू की सब्ज़ी का दिन टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी, मुझे तो थोड़ा सा घर जैसा ही ये लग रहा है जो मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली है। सामक के जो ये खिचड़ी है इसको खाते हैं। खिचड़ी ये क्या है कि हम लोग जब कुट्टू का खाना ज़्यादा खाते हैं तो वो हैवी हो जाता है, लेकिन सामक की खिचड़ी थोड़ी सी लाइट होती है। तो आप कुट्टू की पकौड़ी के साथ हम लोग ट्राई करते हैं कोफ्ता। तो जो ये कोफ्ता है ये भी स्टफिंग इसमें नॉर्मल कोफ्तों जैसी तो नहीं है। क्योंकि इसमें फिलिंग थी हरी मिर्च की, और शायद इसमें एक चीज और भी होती, काजू। तो कोफ्ते भी बहुत अच्छे हैं। अब खाते हैं हमारे शाही पनीर। पनीर जो है वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो जैसे टेस्ट आता है वैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो थाली की। वो एक रीज़न ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज मैंने ये थाली क्यों ट्राई करी, और इस थाली को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत अच्छी थाली है। अगर आप लोग ऐसी जगह पर जहाँ पे बीकानेर जैसा रेस्टोरेंट है तो आप वहाँ पे जाके बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आपको सच में ये थाली जो है वो बहुत पसंद आएगी। एक अच्छा मील आप ले सकते हो। इसकी जो वैल्यू है थाली की वो 360 है। GST के बाद ये 378 की हो जाती है। तो ये सिर्फ नवरात्रि स्पेशल थाली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग फास्ट रख रहे हो तो प्लीज़ इसको जाके ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी थाली है। और मैं चाहता हूँ कि आप, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।